नमस्कार, मैं राहुल डाबा स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे रिलेटेड टू उत्तराखंड में फ्री टैबलेट योजना 2021 के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना क्या है, उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना के हाईलाइट्स क्या हैं, उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना का उद्देश्य क्या है, साथ में फ्री टैबलेट योजना का निर्धारिता पात्रता क्या, यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है अगर आप फ्री टैबलेट योजना के लिए अप्लाई करते हैं, किन किन दस्तावेजों की हमें ज़रूरत पड़ेगी उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना का लाभ लेने के लिए, साथ में उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है, साथ में इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे संबंधित प्रश्न होंगे उनके आंसर आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। बस आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना, आपके जितने सारे डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना, बिकॉज जैसे ही उत्तराखंड टैबलेट योजना की लिस्ट जारी होगी उस चैनल के माध्यम से सूचित दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते शिक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, छात्रों को मोबाइल उपकरण और टैबलेट और लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसे कई छात्र आर्थिक तंगी के कारण लैपटॉप मोबाइल या स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसी एक योजना का ऐलान उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा की गई थी, जिसका नाम उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना यानी फ्री टैबलेट योजना 2021 है। फ्री टैबलेट योजना का ऐलान 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐलान किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में छात्रों को मुफ्त टैबलेट कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना 2021 के हाइलाइट्स के बारे में। साल 2021 है, राज्य का नाम उत्तराखंड है, योजना का नाम फ्री टैबलेट योजना है। उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन शिक्षा को आसान बनाना। साथ में लाभार्थी कौन होंगे? राज्य के गरीब वर्ग के सभी छात्र छात्राएं इसके लाभार्थी होंगे। आधिकारिक वेबसाइट आपकी अभी फिलहाल uk.gov.in है, यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें टाइम टू टाइम आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑनलाइन सर्विसेज, स्पॉटलाइट, टूरिज्म व गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी एंड प्लान्स के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना का उद्देश्य क्या है। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना 2021 को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग, गरीब व कमजोर वर्ग, साथ में 10 और 12वीं विद्यार्थियों को मुफ्त यानी फ्री टैबलेट योजना प्रदान करके उन्हें डिजिटल शिक्षा की ओर आकर्षित करने के साथ साथ डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, यानी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों से संबंधित विद्यार्थी भी डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। साथ में फ्री टैबलेट योजना ऑनलाइन शिक्षा को आसान बनाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। अब हम बात करेंगे फ्री टैबलेट योजना के लिए निर्धारित पात्रता क्या है। आवेदकों को उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना 2021 आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता एवं शर्तों का पूरा ध्यान रखना होगा। इन पात्रता को पूरा करने के लिए आप उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना का आवेदन कर सकते हैं। फ्री टैबलेट योजना के लिए निर्धारित पात्रता इस तरीके से है, उम्मीदवार छात्र उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, साथ में उम्मीदवार ने कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% अंकों से उत्तीर्ण किया हो, आवेदक छात्र ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में अच्छे अंकों के साथ 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की हो, आवेदक छात्र गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो, उम्मीदवार छात्र के पास उसकी पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात करेंगे उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। आवेदकों को उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसी जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। आवेदककर्ता को फर्स्ट आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदक के पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ में पारिवारिक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, में आवेदक के पास चालू मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट आवेदककर्ता के पास होने चाहिए। अब बात करेंगे उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है। उम्मीदवारों को ध्यान में रखना है, उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना 2021 पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, आसान से स्टेप्स के माध्यम से जानेंगे। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना 2021 आवेदन के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद
आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। इसी पेज पर आपको उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना ऑनलाइन आवेदन का लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आवेदन फॉर्म में आपको सूचनी पूछी जाएगी, आपको सूची एंटर करना है, अपनी जानकारी पूरी उसमें दर्ज करना है। साथ में उसके बाद आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। आपको अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना 2021 का आवेदन पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। साथ में महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अभी सिर्फ इस योजना का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी इसकी आवेदन प्रक्रिया हेतु कोई भी आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। जब तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जारी नहीं होती तब तक आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। अतः जैसे ही इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होती है आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अब उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना 2021 से संबंधित आपके माइंड में काफ़ी सारे प्रश्न होंगे, उनका जवाब हम देंगे। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना क्या है? उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा। इसके माध्यम से गरीब वर्ग के विद्यार्थी भी डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? अभी तक इसकी आवेदन प्रक्रिया हेतु कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट जारी नहीं की गई है। जब भी कोई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जारी की जाएगी आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना के लिए क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए। आवेदनकर्ता का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, साथ में जाति प्रमाण पत्र और मार्कशीट 10-12 की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना के लिए पारिवारिक आय प्रमाण पत्र होना क्या आवश्यक है? जी हाँ, इसके लिए आपके पास पारिवारिक आय प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। क्या फ्री टैबलेट योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक कर सकते हैं? नहीं, फ्री टैबलेट योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते, इसके लिए उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना का नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। टैबलेट के बदले 12,000 रुपये जल्द भेजे जाएंगे 10वीं और 12वीं कॉलेजेस के छात्रों के अकाउंट में। जी हाँ, अब राज्य सरकार ने पूरी 10वीं और 12वीं और साथ में स्नातक के छात्रों को टैबलेट नहीं बल्कि टैबलेट के बदले 12,000 रुपये छात्रों के अकाउंट में डालने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि टैबलेट खरीद पर सवाल उठने के बाद यह निर्णय लिया गया है। यह फैसला सरकार ने विपक्ष के उन पर सवाल उठाने के बाद लिया है। बता दें कि टैबलेट खरीद के लिए टेंडर निकाला गया था जिसमें 300 करोड़ के टेंडर से शुरुआत की गई थी। इसमें विपक्ष द्वारा घोटाले की आशंका जताते हुए सरकार अब सीधा छात्रों के अकाउंट में टैबलेट के बदले टैबलेट खरीदने के लिए रुपए देने की योजना बना रही है। अंततः आपको बता दें ये टैबलेट उत्तराखंड राज्य में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं साथ में उत्तराखंड राज्य के महाविद्यालयों के छात्रों को प्रदान किए जाने हैं। साथ में जैसे ही इस बारे में उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई अपडेट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर सूचना पहुंचा दी जाएगी। साथ में तमाम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग व उत्तराखंड न्यूज़ संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ में आप लोगों के उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना 2021 के बारे में क्या कमेंट्स हैं, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में हमसे साझा करें। धन्यवाद।